श्री गणेशाय नमः। शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत भगवान शिव की आराधना और पूजन का विशेष दिन होता है। प्रदोष व्रत करने से व्रती को 100 गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र त्रयोदशी प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसे भृगुवारा प्रदोष भी कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि के लिए यह शुक्र प्रदोष व्रत किया जाता है। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता भी मिलती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। पहला राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुँच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर ले गए। दोनों घर पहुँचे, वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करवा लाया है। यदि यह वहाँ पहुँच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उन्होंने वैसे ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती गई और माता पिता के शुक्र प्रदोष व्रत करने से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिन यह कथा कहता या सुनता है, भगवान उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। बोलिए महादेव पार्वती जी की जय।